देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक कार्यकर्ता आधारित राजनीतिक दल है, जिसमें बैठकों का दौर, प्रशिक्षण, ऐसे हमारे पार्टी से संबंधित, संगठन से संबंधित काम हमेशा होते रहते हैं। क्योंकि इस समय पार्लियामेंट का सेशन है और हमारे मुख्यमंत्री जी आए हुए थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हैं और सभी सांसद यहाँ हैं। उत्तर प्रदेश का चुनाव भी 6 महीने के बाद है, तो उसी क्रम में ये बैठक हुई है। ये कोई विशेष नहीं है, हमारे यहाँ लगातार ऐसे बैठकें, कार्यक्रम होते रहते हैं। और जहाँ तक चुनाव की बात है, उत्तर प्रदेश में और देश में हम लोगों ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, गृह मंत्री जी के नेतृत्व में, मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जिस तरह से काम किया है, लोगों की आकांक्षाओं पर खरे उतरे हैं, उनकी आशाओं को पूरा किया है, उनकी उम्मीदें बनी हैं और उनका भरोसा और विश्वास हमने जीता है। आशीर्वाद यात्रा निकालने की तैयारी की जा रही है। उन सबको लेकर के हम जाने वाले हैं और भारी बहुमत से फिर हम चुन करके आएंगे। मेरा अनुमान है कि 350 से अधिक सीटें हम जीतेंगे। जहां जन आशीर्वाद यात्रा की बात आप कर रहे हैं, क्योंकि जो नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण हुआ वो ठीक पार्लियामेंट सेशन से पहले हुआ, हम लोग अपने क्षेत्रों में नहीं जा पाए थे, तो स्वाभाविक है सेशन समाप्त होने के बाद जब हम अपने क्षेत्र में जाएंगे तो अपने लोगों से, अपने कार्यकर्ताओं से आशीर्वाद जरूर लेना चाहेंगे। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय जी, जिनका साफ तौर पर कहना है उत्तर प्रदेश को लेके कि इस बार 2022 के चुनाव की बात करें।